baru ada jalma bisu. Jalma karma ditimbang dia jangan ditotok. Kemauan. Kaya dia ditotok di sabda kebabahan dia. Kita di jo slogan ini kilo desain dia. Usme bhi wahi kehte hain. Manusya nam sahasyeshu kaschid jatati siddhaya. Jatatam api siddhyanam kaschid mana vritti tattva. Ini tattva vastu Bhagavan ko samajhna chahiye tattva. Sadharan bhavata nahi. Aur ye tattva vastu kis tarah se samjha jata hai wo bhi Bhagavan bataya. Jo bhaktyanam api janati javar jasyami tattva. तीन जगह चार जगह में तत्व शब्द का व्यवहार है एक को एक जगह भगवान बताया जन्म कर्म में दीपम जो जाना थी तत्व और इधर यही बताया कि जतताम भी सिद्धियाना जो सिद्धि सिद्धि लाभ के जो भी सिद्धि और असल में सिद्धि का अर्थ होता है कि जो आत्मतत्व का ज्ञान है उसका नाम है सिद्धि तो एक तो सिद्ध होने के लिए हजारों करोड़ों मनुष्य बीता कोई सिद्ध होने के लिए प्रयास करते हैं सब कोई नहीं करते इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्ध है और जो सिद्ध हुआ है कि सिद्धि लाभ किए है उसका भीतर अगर कोई भगवान को तो समझता है कश्चित व्यक्तिमान तो भगवान कृष्ण यदि कोई समझे कि हमारे ऐसे मनुष्य का जैसे जन्म होता है ऐसी जन्म हुआ है और मथुरा में जन्म हुआ ये तात्विक नहीं है तात्विक पहले तो समझना चाहिए जैसे माओवादी लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब आते हैं कि माइक शरीर धारण करके आते हैं ये तात्विक ज्ञान नहीं है तात्विक ज्ञान है जो भगवान शरीर और भगवान का आत्मा ये फर्क नहीं है एक ही चीज इसलिए भगवान कहते हैं अब जानती मानव रामान चिंतन मानसिक परम भाव जान भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं जैसे हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग हमारा शरीर को कहा जाता है क्षेत्र और आत्मा को कहा जाता है क्षेत्र भगवान ये भी बताया जो क्षेत्र कंच भी मान विद्धि सर्व क्षेत्री सुभाग क्षेत्र का शरीर का मालिक जीवात्मा भी है और परमात्मा जो भगवान वो असल मालिक जैसे एक मकान है ये ऑक्युपायर है और एक ओनर है तो असल में ओनर जो है इन मालिक जो है हमारा शरीर का वो तो भगवान है और हमको ये शरीर भगवान दिया है जैसे मैं चाहते थे ताकि है ये शरीर भगवान इसलिए भगवान का नाम और एक है ऋषिकेश और एक जगह भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी जंत्र रूढ़ानी माया ये जो जंत्र है ये शरीर एक जंत्र है मशीन है मैं शरीर नहीं हूं मैं देह अस्मि तथा देह हमको ये जंत्र में बैठा दिया गया कौन बैठा है माया माया देवी जो भगवान की शक्ति है उनको भगवान हुक्म कर देते हैं देखे भी ये ऐसे ऐसे चाहते हैं इनको ऐसा शरीर दो इसलिए भगवान कहते हैं जंत्र रूढ़ानी माया ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानी
ये यंत्र एक यंत्र हमको मिलता है हाँ वो यंत्र से हम काम लेते हैं इधर उधर घूमते हैं फिर जैसा हमारी इच्छा कर्म कर्म का अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण यंत्र देह उपपत्ति इसी प्रकार जन्म जन्मांतर हम लोग एक शरीर लेते हैं फिर एक शरीर और लेते हैं इसको छोड़ देते हैं ये मनुष्य शरीर जो है इस समय यदि हम लोग भगवान को तत्व तो समझ जाए जाना जीवित तत्व तो फिर हमारा शरीर धारण करने को नहीं पड़ेगा ये विज्ञान ज्ञानम थे हम सभी ज्ञान ये सब आप लोग सब जानते हैं तो ये जो भगवान का जन्मदिन है भगवान अजन्मा है भगवान आते हैं इसलिए कि परित्राणाय साधुना और विनाशाय से दुष्कृतम दो काम भगवान के होते हैं एक तो साधु को परित्राण करना और जो दुष्कृत है उसको नाश करने तो भगवान एब्सोल्यूट है अद्वैत ज्ञान उनको नाश करना और समझ लीजिए परित्राण करना एक ही बात है भगवान जिसको नाश कर देते हैं वो भी परित्राण हो जाते ये सब आप जानते हैं कि जिसको भगवान हाथ से ये गाना नाश करते हैं जैसे बड़े बड़े दैत्य लोग को नाश किया उसी वगैरह उनको मुक्ति हो ये तो इसलिए भगवान इज कॉल्ड ऑल गुड भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारा मंगल के लिए करते हैं इसलिए भगवान का भक्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर कभी हमको कोई कारण से दुर्दशा में पड़ना होता है तो उसमें भगवान की कृपाएं समझना चाहिए तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमान भुंजानी वा मृत्युतर विपा भगवत भक्त जो है वो भगवान को कभी दोष नहीं देते यद्यपि असुविधा में कभी कभी होते हैं तो उसमें भगवान को आभारी देते हैं भगवान आपकी कृपा ये भगवत भक्त का दृष्टि है तो भगवान आज जन्म ले रहे हैं और भगवान आज नहीं जैसे सूर्य एक दिन जन्म नहीं लेते हैं ये उनका नित्यता चल रहे हैं ये ब्रह्मांड में नहीं तो और दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में वृंदावन है और वो अनंत कोटि वृंदावन में भगवान का जन्म कर्म सब हो रहा है नित्य काल इसे भगवान की जितना लीलाएं हैं इसको कहा जाता है नित्य लीला फिर सनातन गोस्वामी ने इस पर विचार किया है कि वो जो भगवान कहते हैं जो कि भगवान के विषय तात्विक ज्ञान लाभ करते हैं तब का देहम पुनर्जन्म उसको फिर ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं जो हमारा वैदिक जो सभ्यता है ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ इधर भोगने के लिए नहीं जो कुछ कर्म ज्ञान कर्म में तो पुनर्जन्म होएगा ज्ञान योग और भक्ति ये अपना अपना मार्ग में जो चलते हैं तो उसका क्या कारण है ये पुनर्जन्म जय करने के और कुछ ये जो हम लोग भौतिक जगत में है इसमें जो चार कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श हम लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े फिलोसफर हैं फिलंथ्रोपिस्ट हैं और सब समस्या को समाधान करने के चाहते हैं भगवान कहते हैं कि ये सब समस्या तात्कालिक है ये तो चालू है असल समस्याएं जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो यदि हम लोग समस्या को समाधान करने को चाहते हैं किस तरह से पुनर्जन्म नहीं हो तो पुनर्जन्म नहीं हो जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे
ब्रह्म से एक हो जाए, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वीर कर ले सकता है। परंतु वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो भगवान से लीन होने नहीं चाहते, वो भगवान के सेवा में नित्य का निजित्व न नहीं चाहते। तो भगवान भी कहते हैं मामेत, तो मामेत ही का अर्थ होता है यदि कोई लीन होने चाहते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो सकता है, नहीं तो भगवान का नित्य लीला में वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जाकर के भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। अरे लीन होने में एक मुश्किल है कि उधर सचित आनंद, उधर आनंद नहीं मिलता, केवल इटर्निटी जो मैं नित्य का हम इधर रहूंगा, इटर्निटी नित्य का ये उपलब्ध होता है, बाकी केवल नित्यता उपलब्ध होने से आनंद नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र में कहता है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना तैयस्त भावाद अभिशुद्ध रूप है। जो विमुक्त मानी अपने को विमुक्त समझते हैं वो अभी उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ, तैयस्त भावा, क्योंकि जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे वो मुक्ति जीतता नहीं। क्यों आरुज्य कृच्छे न परम पतन तत पतंती अभव। आप लोग जानते हैं बहुत से सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगन मिथ्या है बोल के सब छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जगत में ही आ करके मेरी इसी लाइफ में फिर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और कोई काम काम काज करने में फंस जाते हैं, क्योंकि केवल मुक्त होने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्राप्त। वो स्टेज ब्रह्मभूत स्टेज उधर ही खत्म करने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ेगा। वो जो आगे बढ़ना काम है वह है भक्ति, मद भक्ति लभते परम। तो ज्ञानी का पश्चात यदि योगी का पश्चात यदि कोई भक्त बन जाए साधु संत है तभी उनको मुक्ति ठीक ठीक होती है, वो भगवान का पास चले जाते हैं। ये सब विचार है तो भगवान ये सब सिखाने के लिए जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवती भारत, तो धर्म सज्ञानी का अर्थ होता है जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं कि धर्म सज्ञान हमारा जो धर्म है वो भगवान खुद ही कह रहे हैं कर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। हम लोग धर्म बना नहीं सकते, ये जो आजकल का फैशन हो गया कि हम एक धर्म बना लिया आप एक बना लिया, ये सब धर्म नहीं, ये सब कोई तो चीटिंग है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म अप्रोचित कोई तो ये चीटिंग चाहे जो धर्म है इसको इधर से फेंक दिया गया। असल धर्म क्या है, धर्म अंत साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान बताते हैं वो धर्म। भगवान क्या बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामे तम सर्व, ये धर्म। इसलिए भगवान ये समझाने के लिए आते हैं युग युग में, फिर भी आज भगवान की आविर्भाव स्थान है और भगवान जो कहते हैं इसको आप लोग ग्रहण कीजिए, जीवन को सफल कीजिए, यही हम लोग का प्रचार विषय है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इसीलिए सारा दुनिया में हम लोग घूमते हैं और आदमी सब पसंद करते हैं ले रहे हैं। भारत वर्ष का बात क्या है वो तो जानते ही हैं, तो आप लोग कृपा करके हम लोग आशीर्वाद कीजिए कि भगवान की कथा हम लोग जैसे दुनिया में प्रचार करते हैं जैसे कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आज ये हमारे सब शिष्य लोग वैश पूजा तिथि मना रहे हैं,
व्यास पूजा तिथि गुरु का जो जन्मदिन है वो व्यास पूजा तिथि कही जाती है। जो असल गुरु है व्यास देव वेद व्यास और व्यास देव का परंपरा से जैसे भगवत गीता में बताया है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु। ये जो वैदिक ज्ञान है ये परंपरा से मिलती है, विद्यावत्ता से नहीं मिलती, परंपरा से। सकालीन जोग नष्ट परंतु वो परंपरा जब नष्ट हो जाता है फिर वो जो वैदिक ज्ञान वो खराब हो जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी बताए हैं जो अवैष्णव मुखद दीन भूत हरि कथामृतम सर्वम न कर्तव्यम। जो वैष्णव सदाचार संपन्न नहीं है उनका मुंह से भगवान की कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में दोष क्या हुआ? भूत हरि कथा मृतम कहते हैं, जो हरि कथा जो है और अमृत स्वरूप है, फिर भी अमृत स्वरूप होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं है उसको मुंह से सुनना नहीं चाहिए, मना किया सुना। क्यों? सत्पक्षिष पयोजथा दूध जो है यह अमृत है, परंतु यदि सांप उसमें जीवा लगा दे तो वो फिर जहर हो जाता है। और श्रीमद् महाप्रभु ने यही बताया है कि मायावादी भाष्य सुनिले भय सद्गुण। ये शास्त्रादि ग्रंथ है वेदादि श्रुति, इसलिए वेदिक वैदिक शास्त्र को श्रुति कही जाती है। श्रुति का अर्थ होता है ये शिष्य परंपरा से उसको सुनना चाहिए। गुरु शिष्य को सुनाते हैं, फिर वो अपने शिष्य को सुनाते हैं, वो अपने को शिष्य को सुनाते हैं। इसी प्रकार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इसी प्रकार सब संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो संप्रदाय विहीन आगे मंत्रास्ते विपदा होता। ये संप्रदाय विहीन होकर के मनमा के जो वेदार्थ करते हैं वो विफल है, उसका कुछ कीमत नहीं है। तो ये जो व्यास पूजा, यानी हम लोग व्यास संप्रदाय में है, व्यास का शिष्य नारद, नारद का शिष्य नारद का शिष्य आई एम सॉरी व्यास और व्यास देव का शिष्य सुखदेव गोस्वामी, इसी प्रकार परंपरा से मध्याचार्य, फिर मध्याचार्य के संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी, फिर उनके शिष्य है ठीश्वर पुरी, उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य गोस्वामी सर्वगोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, इसी प्रकार संप्रदाय में हम लोग हैं। इसलिए हमारा संप्रदाय नाम है माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो संप्रदाय का अर्थ होता है जो संप्रदाय में जो आचार्य है वो अनसंट इधर उधर बकते नहीं, वो जो गुरु परंपरा से जो श्रवण करते हैं उन्हीं को बताते हैं।
तो इसलिए अपना गुरुदेव को जन्मतिथि है उसको व्यास इसलिए व्यास पूजा कहा जाता है। यानी असल में व्यास देव गुरु है और ये आसन को व्यास आसन कहा जाता है। ये परंपरा सूत्र से जो गुरु आते हैं वो आसन में उसको बैठने में लगा दिया जाता है। तो ये हमारे जो सब शिष्य है आज ये व्यास पूजा का आयोजन किया है और वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो अहंग्र उपासना कि मैं भगवान हो गया और इनसे सब पूजा ले रहे हैं दिखावटी करने की, वो बात नहीं है। बात यह है कि शास्त्र में कहते हैं कि जस देवी पराभक्ति तथा देवी तथा गुरु तो शैते गतिता जड़ता प्रकाशंते महा। ये जो वैदिक ज्ञान लाभ करने के लिए एक ही उपाय है, जस देवी पराभक्ति, भगवान में पराभक्ति अप्राकृत भक्ति, और जैसे भगवान में अप्राकृत भक्ति उसी प्रकार गुरु में भी अप्राकृत भक्ति। जस्व देवी पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु, ये अभ्यास करना चाहिए और उसको सिखाने के लिए ये बैठने पड़ता है, उनको पूजा लेने पड़ता है और उनको सिखाने पड़ता है, ये उचित है। इसलिए व्यास पूजा अनुष्ठान किया जाता है और वो लोग भी पूजा करते हैं और जिसकी श्रद्धा है वो आचार्य को आचार्य उपासनम। शास्त्र में भगवान स्वयं बताते हैं कि आचार्यों का उपासना करनी चाहिए। तो आप लोग कृपा करके आए हैं धन्यवाद। और ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट ये सारा दुनिया में ये सब सिखाते हैं वैदिक पंथा श्रोत पंथा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठा करने के लिए ये श्रोत पंथा जो है इसका अवलंबन करना। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं उपवशा ने जो शिक्षा समय में कि गुरु कृष्णा कृपाए पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति लता जो है उसको जो बीज है उसको प्राप्त होता है। ये सब विचार है। इसलिए वैश्य पूजा शिष्य के लिए अवश्य कर्तव्य है। उनको गुरु सिखाएंगे ये मतलब नहीं है जो उनसे कुछ पूजा लेके अपना कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ये बात नहीं है। और हमारा कोई सारा दुनिया में 102 सेंटर है, वो अपना अपना सा पुष्पांजलि वो एक किताब में छपा करके ये लोग प्रत्येक प्रतिवर्ष में ऐसी किताब छपा रहे हैं वैश्य पूजा में गुरु को देने के लिए। तो दो चार उसमें जो प्रबंध है श्रीमान ब्रह्मानंद स्वामी वो आप लोग को थोड़ा सुना देंगे, फिर आप लोग प्रसाद पा करके कृपा करेंगे। चक्षुर्मीता येना तस्म श्रीगुरव श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति शपदांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज बहुत शुभ दिन कि श्रीमती राधा रानी विषमानुनंदिनी उनका आविर्भाव तिथि, सब वैष्णव लोग वृंदावन वासी बहुत उल्लासित है राधा रानी के जन्म तिथि दर्शन करने के लिए। देश देशांतर से आप लोग सब आए हैं। इस अवसर में हम लोग और कुछ आगे बढ़ने के लिए चेष्टा कर रहा हूं कि आज वो गुरुकुल की शिलान्यास करने के लिए प्रयत्न किया। इसमें आप लोग शामिल होने से बहुत ही हर्ष हुआ। तो राधा रानी की सेवा बहुन्मुख, श्रीमती राधा रानी 64 प्रकार की कलाएं सब उनको मालूम था, किस तरह से कृष्ण को सुखी किया जाए ये राधा रानी की कहा जाए। राधे दयित राधे जय जय माधव दयित, इसलिए कृष्ण भी राधा रानी से बहुत आकृष्ट। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षण करता है, कृष्ण। और कृष्ण का आकर्षण करती है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। जो कृष्ण का शरण में आ जाएंगे वो मदन का हाथ से सुरक्षित हो जाएंगे। श्रीपाद जामुनाचार्य ये श्लोक बताया, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंद नव नव धाम रंत मासी तदवधि बत नारी संगमे स्मर्ज माने भुक भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठि वर्ज। श्रीपाद जमुनाचार्य कहते हैं जब से कृष्ण चरणारविंद ने हमारा ध्यान लगा है उस दिन से नारी संगम हमारा स्मरण होने से हम उसमें थूक देता हूं। तदवधि बत नारी संगमे स्मर्ज माने भवती मुख विकार। तो दुनिया ये सब नारी संगम में ही व्यस्त है, नारी ये पुरुष। जन्म इथुनादि गृह में यदि सुखम में तुच्छम कन्वने न करयो रिव दुख दुखम पिप्पन्त नेह कृपना बहु दुख भाज बहु दुख भाज कंडतीव मनसी जब विषय तो धीर। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ये संयम सम दम सत्यम शौचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, इंद्रिय को दमन करना तपस्या। ऋषभ देव बताया है, नायन देह देह भाजान निलोके कष्टान कामान अर हतिवीर बुझांग जी। जो अपने पुत्र को ज्ञान दे रहा था कहते हैं बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये सुअर कैसे नहीं होना चाहिए। नहीं, सुअर क्या काम करता है न, दिन भर परिश्रम करके भूख खाता है और
जब थोड़ा शरीर मोटा ताजा हो गया और स्त्री संगम करते हैं उसमें कोई विचार नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है, किस लिए है? तप, तपस्या करने के। और किस लिए तपस्या? दिव्यम, भगवान से संपर्क करने के लिए। नहीं तो हिरण्यकशिपु भी बहुत तपस्या किया, रावण भी बहुत तपस्या किया, बाकी ये भोगने के लिए वो तपस्या नहीं। तपो दिव्यम जेन अशुद्धे तो सत्या, दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिसमें जो हमारा जो सत्ता है वो शुद्ध हो जाए। क्या अभी अशुद्ध है क्या? हम तो बहुत स्नान करके आए हैं। नहीं, ये स्नान शुद्ध नहीं है। हाँ, शुद्ध तभी होगा जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, वो शुद्ध है। ये जो कॉन्टामिनेशन है, कि भुक्त्या भुक्त्या पलीयते, एक जन्म होता है फिर ये खत्म हो जाता है, फिर और एक जन्म लेने पड़ता है, ये क्या कारण है? अशुद्ध। नहीं तो जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, न हन्नते हन्नमाने शरीरे, जैसा भगवान कहते अजोपी, मैं अजो है, हमारा जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश होने का कारण उनको भी जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी जन्म क्यों होता है? अशुद्ध, सत्ता शुद्ध नहीं है। ये सत्ता शुद्ध करने के लिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है, केवल सत्ता शुद्ध करने के लिए, और कुछ नहीं। बाकी आप तो सब उल्टा सीधा हो गया। इसलिए हम लोग का जो प्रयास है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, किंचित चेष्टा कि किस तरह से वैदिक सभ्यता आदमी ग्रहण करे, और कुछ नहीं। इसमें कोई और लाभ उठाने का कोई प्रयत्न नहीं है। तो आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। वृंदावन में आ गई गुरुकुल खोलने के लिए, उद्घाटन करने के लिए एक प्रयास। अभी कुछ ठीक नहीं है, कहां से क्या रुपया आएगा, क्या होगा, बाकी शिलान्यास तो होगी। तो गुरुकुल का उद्देश्य यही है, जो बालक उसको शुरू से भागवत धर्म सिखाया जाए। कौमारो आचरित प्राग धर्मान भागवतानि ह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवं अर्थदं। प्रहलाद महाराज अपना विद्यालय में जब मौका मिलता था, वो असुर लोग के बीच में कभी कभी भगवान की कथा सुना देता। तो सब बालक है, वो सब बोलते थे प्रहलाद अभी आओ, हम लोग खेलें कूदे, अभी भगवान का बात सुनने का तो समय नहीं है। बाकी वो कहते हैं नहीं 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 मित्र, ये जो को मारो आचरित प्राज्ञा, बिल्कुल कौमार अवस्था से, यानी चार पांच बरस उम्र जब हुआ, वहीं से भागवत धर्म सीखने से। क्यों इतना जल्दी? क्यों दुर्लभ मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ है, और अध्रुव है, ये भी ठीक है। बाकी अर्थदम, अर्थदम, अर्थदम का अर्थ होता है जो कुछ माल मिलने के लिए है। वो क्या चीज है? भगवान को मिलने के लिए है, और सब जन्म में नहीं मिलेगा। शेर होता है बड़ा तेजी बलवान, बाकी उसको भगवान मिलेगा नहीं। पर मनुष्य चाहे जितना दुर्बल हो, उसको यदि सिखाया जाए शुरू से, तो उसको भगवान मिल सकता। इसलिए दुर्लभं जन्म,
शुरू से ही सिखाना चाहिए। हाँ, ऐसा स्कूल कॉलेज दुनिया में कहीं भी है नहीं जहां सिखाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। सब जगह सिखाया जाता है तुम शरीर हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इंडियन है, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, बस शरीर का परिचय। जस आत्मबुद्धि कुन पीति धातु के सधिक कलोत्रा दिशु भौम युद्धि सैव गो खर। गो का अर्थ होता है गाय, एक खर का अर्थ होता है गधा। ये गधा और गाय की सिबली हुई है, तो इससे सभी दुखी है, सब दुखी है। ये गोखर सिविलाइजेशन का वजह से कोई सुखी नहीं है, इसलिए ये लोग उल्टा सीधा एक पार्टी बनाते, वो पार्टी बनाते, वो पार्टी बनाते, बाकी उसमें काम क्या होगा? असल जो बीमार है देहात्म बुद्धि वो तो रह गया, इसलिए कुछ उपकार नहीं होता। हाँ, उपकार तभी होगा वो जब समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं है। देहि नस्मिन् तथा देहे कौमार जो मनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति। हमको देहांतर प्राप्ति करनी है, उसको बिलीव ही नहीं करता है जे शरीर छूट जाने से और एक शरीर मिलेगा, और जब तक शरीर मिलेगा हमको दुख भोगने होगा। हाँ, चाहे हम रईस हो या चाहे गरीब हो, शरीर मिलना ही माने दुख भोग, ये एजुकेशन है ही नहीं। इसलिए ज्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे, एक और एक प्रयास इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, हम लोग ऑलरेडी वो डाला टेक्सास में एक गुरुकुल खुला है, उसमें बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। इवन एजुकेशन मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट वो आके सर्टिफिकेट दिया जी, इधर बालक लोग जैसे सुखी है ऐसे कोई स्कूल कॉलेज में हम देखें, सुखी क्यों ना होगा। हाँ, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है। बहुत से पादरी, एक पादरी हम लॉस एंजलिस से हवाई जा रहा था, तो एक पादरी सा आकर के स्वामी जी कहना टॉकिंग, यस व्हाई आई सी योर स्टूडेंट्स सो ब्राइट फेसेड, उनका यही आश्चर्य हुआ जिनका उधर में वेस्टर्न कंट्री में तो सभी फुल ऑफ एंग्जाइटी है। वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न वेस्टर्न कहीं भी हो, भौतिक जगत में जो कोई है वो फुल ऑफ एंग्जाइटी। देयर इज वर्स, एक श्लोक है प्रहलाद महाराज, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विघ्न धियाम असत ग्रहात। ये असत वस्तु जो ग्रहण किया है, असतो मा सदगम वेदिक इंजेक्शन है, असत में नहीं रहो, सद वस्तु में जाओ, ओम तत्सत। तो प्रहलाद महाराज बताए असत ग्रहात, ये जो मेटीरियल बॉडी हम लोग ग्रहण किया और इसको इंद्रिय तर्पण करके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें केवल एंग्जाइटी बढ़ेगा और कुछ नहीं, लाभ कुछ होगा नहीं। असत ग्रह, केवल चीज तो असत ग्रहण किया, एंग्जाइटी कैसे जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज एडवाइस किया था, हित्यान हित्यात्मघातम गृह अंधकूपम बनंगतो जद हरिमा स्वेरिता। ये सब है शास्त्र में, तो सभी उपदेश है, बाकी हम लोग लेते हैं, यही दुख की बात है। तो हम लोग जो टेक्सास में गुरुकुल किया है बनाया है, उसका तस्वीर सब मौजूद है, आप लोग चाहे तो देखिएगा। तो इट इज प्रोग्रेस वेरी मच। तो हम लोग चाहते थे इधर भी वृंदावन में एक गुरुकुल हो जाए, और गुरुकुल का विषय जो शास्त्र में बताया गया है वो हमारा पंडित जी पुंडरिक जी है, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए, आप पढ़ के सुना दीजिए। गिविंग दिस माइक,
अब इधर आइए, ये पंडित जी को हम टेक्सास में भेज रहा हूं, इज वेरी नाइस टीचर, उसके लिए परमिट और पासपोर्ट के लिए व्यवस्था किया गया। श्री भगवान उवाच, मैया सप्त मना प्रार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा गच्छति तत्क्षणं। भगवान स्वयं भगवान कृष्णा अपने को विषय स्वयं कह रहे हैं, श्री भगवान हमारा जो सब इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका हस्तपद आदि दश इंद्रिय और मन, ये सब को अंदर से यदि हम भगवान को समझने चाहते हैं वो संभव है, क्योंकि हमारा जो चक्षु है वो भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। जैसे बहुत से भक्त लोग इधर दर्शन करने पाते हैं, कोई कहते हैं कि देखो जी एक पत्थर का मूर्ति बना दिया और ये सब मूर्ख लोग दर्शन करने का, क्योंकि उसमें आंख नहीं है, वो भगवान को पत्थर देखते हैं, और जिसको आंख है वो हजारों रुपया खर्च करके वो वृंदावन में भगवान को दर्शन करने का, इतना ही फर्क है। भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का विषय नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करके कृष्णा इधर आए थे, फिर उनकी जो प्रवचन है और उनके जो उपदेश है कि भगवत गीता को छोड़ गए हैं और उनको दर्शन करने के लिए कि भगवान मूर्ति से इधर बैठे हुए हैं, तो भगवान को कोई समझना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा किसी का विषय आप उपदेश ले रहे हैं और उनको मूर्ति भी दर्शन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का विषय समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद अपने का विषय ये गीता के सप्तम अध्याय में बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ये नहीं है कि व्यासदेव बता रहे हैं, व्यासदेव लिखता है श्री भगवान उवाच, कि भगवान का विषय भगवान ही कह रहे हैं। हमारा विषय में आप जानने चाहते हैं, आप चाहे जितना मनमाफिक सोचे वो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकते। अगर मैं खुद बोलता हूं कि देखो जी मैं ऐसा हूं, हमारा इतना मंदिर है, इतना संपत्ति है, इतना किताब है, तो आपको समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं श्री भगवान उपास, क्या बोलना है, मैया सप्त मना, जो व्यक्ति के भगवान की आसक्ति है, भगवान से प्रेम आसक्ति, जैसा आप बच्चे से आपको आसक्ति है, पति से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, इसी प्रकार यदि भगवान में भी आपको आसक्ति हो जाए तो आप भगवान को समझ सकते, और दूसरी तरह से नहीं। प्रेमान्यन छिड़ित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान से प्रेम हो तो भगवान खुद ही उनको दर्शन देता है। और हम यदि स्पेकुलेशन करें मन माफी कि भगवान ऐसी है, भगवान आकार है, भगवान निराकार है, भगवान ये है वो है, वो इस तरह से भगवान कोई समझ नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय है
उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सप्तमना पाथ योग जुंजन मदाश्रय। ये आसक्ति बनाने के लिए भगवान का आश्रय लेने पड़ेगा, मत आश्रय। ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, यदि आप कहेंगे जो भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, हम कैसे आश्रय लें। तो मद आश्रय का अर्थ होता है ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, और नहीं तो जो भगवान का आश्रय लिया है उसका आश्रय मद आश्रय। जो व्यक्ति भगवान को बिना और कुछ जानते ही नहीं, मद आश्रय भगवान का आश्रय ले लिया बस उसका आश्रय। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ते न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनम। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो तत्वदर्शी है। कैसे तत्वदर्शी है? भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान का भक्त लेते हैं, और कौन लेते हैं? और भगवान कहते हैं कि भक्त्या राम विजानाति। वो जो भक्त है वे केवल भगवान को समझ सकते हैं, तो ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, कर्मी नहीं। भगवान बताया नहीं जो कर्म से कर्म नाम अभिजान नो नहीं, ज्ञाने नाम नो, योगे नाम नो, पार्शियल उसको मालूम हो सकता है। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, कर्म से तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। जो लोग ज्ञानी है उनको कुछ मालूम होता है, वो सदांश भगवान जो ओम तत्सत उसको मालूम होता है। सद वस्तु इटाना ज्ञानी को इतना मालूम होता है और ज्यादा नहीं। और योगी को वो भगवान का जो परमात्मा मूर्ति है उसको दर्शन होता है। भगवान का तीन स्वरूप ये बदावती तत्विदस्तम जज ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानी। तो ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान एवं भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान आखिरी, पहले है ब्रह्म ज्ञान निराकार ब्रह्म, फिर और आगे बढ़े योगी लोग जो दर्शन करते हैं ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति जन योगी, जो कि ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं उसको योगी कहा जाता है। तो पहली दर्शन ब्रह्म दर्शन, उससे आगे बढ़े तो परमात्मा दर्शन, और उसको उससे आगे बढ़े तो भगवत दर्शन। तो जिसको भगवत दर्शन हो जाता है उसको परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन सभी हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता में बताया बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते। जो लोग निर्विशेषवादी है निराकारवादी है और ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ होता है जो कि ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण लाभ किया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु है, ये ज्ञान जिसको संपूर्ण है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। और ब्रह्म भूतम प्रसन्न आत्मा, उसका आत्मा प्रसन्न हो जाता है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें भगवान का आंशिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकेगा जैसे भगवान बताते हैं असंशय समग्रम, समग्रम मान के संपूर्ण, पार्शियल नहीं, आंशिक नहीं। आंशिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उससे और तो हमारे परमात्मा ज्ञान, और समग्र ज्ञान कृष्णत्व भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमेव।
महात्मा सुदुर्लभ, जिसको वासुदेव ज्ञान हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव ज्ञान क्यों? मैं वसुदेव जी का जो पुत्र हूं, आपका वृंदावन में वो वासुदेव, वृंदावन में स्वयं भगवान है और मथुरा में वासुदेव। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, और जो संपूर्ण लीलाएं होते हैं वो वासुदेव।